CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं। नमस्कार साथियों, प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग। तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली। जरा बताइए तो वो कौन है? उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए। जरा सोचिए, सोचिए। साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे। बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे। एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा, अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना। भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी। माँ, ये चिट्ठी। माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी। दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है? बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है। अच्छा, इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना। अच्छा, उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंकगणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया। रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई। इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा।
उनकी माँ उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी माँ के कारण ही उत्पन्न हुई। एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है। साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थीं। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था, मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थीं और मुझ पर विश्वास करती थीं। थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी मां का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे। उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है। इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था। अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था। जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे। एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा, मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए? लगभग 10,000 बार। 10,000 बार? लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा। अच्छा, मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था। अरे वाह। वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा। क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था, मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ। एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला
और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था, डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले। थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा। अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं। कार्यक्रम समन्वय राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, तकनीकी सहयोग शानू मुक्सीम, आलेख अजीत होरो, विशेष परामर्श वंदना अरिमर्दन, निर्माण सहयोग कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।